और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर आज ईद ना भी होती तो आपकी वजह से आज ईद लगती। ऐसे गेस्ट जिनके बारे में जितना कहूंगा उतना ही कम लगता रहेगा, ऐसे गेस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम वहां रोशन किया जहां शायद पाकिस्तान को नहीं जानते थे लोग। आपकी वजह से हमारी शान बनी, आपकी वजह से हमारी पहचान बनी, आप हैं हमारी जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राहत फतेह अली खान। राहत भाई, उसूल रिवायत ये है हमारे शो की कि जो भी गेस्ट आते हैं वो एक शेर सुनाते हैं। आज तक किसी गेस्ट ने अच्छा शेर नहीं सुनाया। मैं सुनाऊंगा। अता हो उन हजरात के लिए जो के शेर की समझ बूझ रखते हैं, उन खवातीन के लिए। अरे खवातीन नहीं, सबके लिए। ये जरूरी तो नहीं, वाह, ये जरूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए। वाह, ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। अरे मुझे लग रहा है मैं लखनऊ में हूँ। ये जरूरी तो नहीं, ये जरूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो तुम्हें खुद ही ख्याल आ जाए। राहत भाई वेलकम टू हंसना मनाया। आज आप हंसना मना में आए, आज हंसना मनाया वाकई में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो बन गया। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत सुना और इसको देखा है और बहुत अच्छे सेगमेंट्स आप कर रहे हैं। थैंक यू राहत भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये है राहत भाई के 9 साल की उम्र आपकी थी जब आप इस मुश्किल काम में पड़े। 9 साल की उम्र में हम जैसे लड़के इलास्टिक की शलवार नहीं छोड़ पाते। कर दो आप 4-5 साल की। ये गलत बोला है, 9 साल की एज में मैं स्टेज पे था। स्टेज पे था, हाँ, स्टेज पे। और 6 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट करा। लेकिन वो इलास्टिक की शलवार अपनी जगह कायम है। इलास्टिक की शलवार और कायम हो, वाह वाह। अल्लाह की कसम राहत भाई, 9 साल की उम्र में हम जैसे बच्चे जब आप स्टेज पे थे, हम 9 साल के बच्चे तो समझते थे परियां छोड़ के जाती हैं बच्चे। उस वक्त तो हमें ये भी पता नहीं था कि क्या। तो स्टेज पे जाना एक इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है। आप वहाँ जाके ना सिर्फ ये कि स्टेज पे बैठते थे, परफॉर्म करते थे, ये करेज, और वो भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ, उस्ताद मोहतरम के साथ। ये एक्चुअली क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और बचपन से मैं उनके आई एम द अडॉप्टेड सन ऑफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एज वेल। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह, मैं क्या बताऊँ कि हमारा जो एक जो मोहब्बत का और प्यार का रिश्ता होता था वो क्या था, तो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बट उन्होंने मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को जो है और कुछ कुछ नजायज़ ख्वाहिशात उन्होंने पूरा किया। वाह वाह। मैं नजायज़ ख्वाहिशों में गहराइयों में जाना चाहूँगा, लेकिन क्यों जाना चाहिए आप, क्यों जाना चाहिए। जब आप छोटे थे तो कवाली के लिए आप स्कूल भी छुट्टी वुट्टी कर लेते थे, बहानेबाजी भी कर लेते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि स्कूल तो शायद आपने बंक किए होंगे, छुट्टियाँ की होंगी, मगर फिर उन्हीं स्कूलों ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी दी। और छुट्टियों ने मुझे जो है उन छुट्टियों ने एक्चुअली कहना चाहिए कि उन्होंने मुझे जो भी है, अगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब होते तो वो डॉक्टरेट की डिग्री भी उन्हें ही मिलती, मगर ये उनकी दुआ है। उन्हें मिल भी चुकी, उन्हें हार्वर्ड से मिली थी, मुझे ऑक्सफोर्ड से मिली, तो ये भी उनकी ही है। ये सब कुछ जो भी हम अवार्ड्स या जो भी कुछ हमें मिलता है तो वो हमारा नहीं होता, वो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ख़ानदान के लिए होता है और उसके बाद उस मुल्क के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए होता है। ये डिग्री ले रहे हैं आप माशाल्लाह से। राहत भाई आपको तो जाहिर ही बात है उन्होंने डिग्री दी। ये जो है ना वो लोग कहते हैं अक्सर कि डिग्री फोल्ड करके क्यों दी जाती है। नहीं, पहले उसके साथ तस्वीर होती है, वो खुली होती है, खुली होती है, और उसके बाद उसके साथ फिर कवालों वाला सलूक किया जाता है, ट्रोल कर देते। अच्छा लाखों पता हजारों तो गाने आपने गाए, आपने सबने आपसे पूछा होगा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन है। मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा ऐसा गाना है जो गाकर आपने कहा ये मैंने क्यों गाया। सही हो नहीं, सही मैंने गाया, मगर जिस तरह से मैंने उसको क्रिएट किया था वो उस तरह से
पेश नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, वो नहीं हो सका। अच्छा अच्छा, लेकिन वो गाना तब भी आपकी मर्जी के खिलाफ भी आपने गाया तो इतना अच्छा गा दिया। वो एक्चुअली जो वो मेरा स्केल ही नहीं था, किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक फर्द की वजह से जो है वो मुझे स्केल अपना जो है वो बहुत नीचे करना पड़ा, और जो मैंने एक्चुअली बनाया था वो उसको उस तरह से पेश ही नहीं किया, अगर बनाया ही नहीं गया। अच्छा चले, राज भाई के कराची से ताल्लुक नहीं, मगर पर्चियां आपको तब भी मिली, अक्सर कराची वालों को पर्चियां मिलती थी। क्या पर्ची? बर्थडे की फरमाइशों की पर्चियां तो आपको मिली, अक्सर उन पर गाने नहीं भी लिखे होते थे, कुछ अलग से जुमले भी लिखे होते थे। बड़े अजीब अजीब लिखते हैं लोग। मुझे एक, मैं आपको उसमें से एक वाक्य सुनाता हूँ। फरमाइश हुई तो मुझे समझ ना आई, वो जो बीच में से शुरू कर रहा था जहाँ से अंतरा होता है ना, वहाँ से शुरू कर रहा था अपना, वो था ना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना मेरे पास तुम होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छे भाई, हंसना वाकई मना है, हंसना वाकई मना है। वाह वाह वाह, उन्होंने कहा मेरे पास तुम होगा गाना है, वो शर्मिंदा भाई। अच्छा, शर्मिंदा कर रही है, जरूरी था तेरी हरकत मुझे। अच्छा, वो था तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते। तो वो पता क्या कह रहा था, वो गाना सुनाइए जिस पे वो कह रहे हैं कि तवे पे। वाह, मैं कई कुछ मिनट तो समझा ही नहीं, मैं ये क्या कह रहा है। ओ जी खान साहब, वो तवे पे वाला तवे पे। हां, वो मैं कह गया तवे पे क्या है, वो तवाफे आरजू करते तवे पे। वाह। अच्छा, एक और था, किसी ने लिख दिया ए, तुम एक बोर बंदा हो, क्या था? नहीं, वो तो मुझे नहीं कहा था उन्होंने, पता नहीं किसको कह दिया था। वो लिखा है ऐसा ही था कि तुम एक गोरख धंधा हो, लिखना था तो लिखता है तुम बोरेक बंदा हो, बोरेक बंदा हो। थोड़ा माहौल शायराना करेंगे, आपने इतना अच्छा शेर कहा, मुझे जो है ना वो अच्छे शेरों से कुछ एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। क्या होती? बुरा सा लगने लगता है, अच्छा शेर को मेरे शेर को सुनाए ना। तो मैंने किया ये रखा है कि आज हम आपसे कुछ चंद सवालात पूछेंगे, छोटे छोटे, उनके जवाब से हाथ के हाथ एक नज्म तैयार कर लेंगे जो गारंटीड बुरी होगी। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है उद्धम नज़म। राज भाई सवाल है, राज भाई को अंदरूनी जिस्मानी अज़ा यानी कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, दिल लिखो बेटा दिल। एडजेक्टिव यानी कि प्यारा, खूबसूरत, गंदा, मैला, अजीब सा कोई एडजेक्टिव। मैला लिखो बेटा, वो पर्सनल ले रहा है इसको। कोई नंबर, ओके, 7 लिखो बेटा, जैसे होते ना फ्रेज, आई लव यू, आई मिस यू, बाय बाय, आई हेट यू, इस तरह कुछ भी। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय लिख दो बेटा। एक और अंदरूनी आजा, दिल हो चुका था, अब कुछ और, ऊपर ऊपर से, नहीं नहीं अंदर अंदर। अच्छा ठीक है, ऊपर ऊपर से क्या मतलब हुआ है? ऊपर से अच्छा था राज भाई, लेकिन थोड़ा अंदर अंदर से, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर मिला के। ओके, दिल हो चुका, गुर्दा लिखो, गुर्दे पे रोक दो। अच्छा, अगर हथौड़ा आपके हाथ पे लगे तो आवाज क्या आएगी? आए आए, इसमें भी सुर था। अच्छा, कोई पसंदीदा जानवर? ये सारी बात है, अब हंसना मना है तो फिर लॉइन, शेर लिखो बेटा, शेर। कोई कीड़ा जो बाहर घूमता हो? जो बाहर घूमता हो अंदरून से बाहर लाया हूं मैं, बाहर घूमता हो। कीड़ा क्या मतलब, क्या कॉकरोच, छिपकली, लाल रे, छिपकली तो बहुत ही बुरी चीज होती है। हाँ। छिपकली लिखो बेटा। अच्छा, कोई सब्जी? कोई भी, पोटैटो आलू लिखो बेटा। जो कोई ऐसा आइटम जो बाथरूम में मिलता है? साबुन वही मिलता है ना, वही मिलता है, अक्सर खत्म हो जाता।
साहब, अब सवाल सवाल गहराइयों में जा रहे हैं। कोई लेंथ? क्या लेंथ? यानी कि लंबाई। इतना कितना होगा यार? इतना 16 इंच कर दो बेटा। हाँ 16 इंच। अब कोई ऊंचाई, ये भी फोटो में ही होगी, 6 फुट 3 इंच। हाँ यार 6 फुट छोटा कर लेते, छोटा कर लेते हैं। किसको छोटा करना है? किसी बुलंद चीज को थोड़ा छोटा करना है। बुलंद चीज को? मैं सलमान भाई को छोटा नहीं कर सकता। उनको मजीद क्या छोटा? 5 फुट लिख दे, 5 फुट कर लेते हैं। 5 फुट लिखो। अब किचन में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज, चमचा, हांडी, छुरी लिखो बेटा। बस दो सवाल, कोई पीने की चीज रात में जो टीवी पे बताई जा सके। अरे क्या बात कर रहे हो, हर दफा बताई जा सकती है। वो उसका नाम कभी कभी तहूरा भी तो है। तहूरा भी है लेकिन अभी तहूरा नहीं। तो ऑरेंज जूस? ऑरेंज जूस उसमें मिला दो कुछ। लेकिन जो ये कहते हैं भैया कर दे यार। अच्छा बस आखिर में कोई जाहिरी बॉडी पार्ट, ऊपर ऊपर से। हाँ आंखें ना, आंखें 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 लिख के खत्म करो और ले आओ नज़म, ले आओ बेटा। भाई अर्ज किया है कि दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूंगा। दिल आ गया, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहूंगा मौसीकी के उस्ताद के सामने, आज मैं शायरी करूंगा। और अर्ज किया है कि एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार। वाह, मेरा दिल देखो, सब पे कुर्बान कर रहा हूं मैं कि एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूछों पे बाल। एक मैली लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 7 थे उसकी मूछों पे बाल, और बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाय बाय, भाई भाई नहीं, बाय बाय। बाय बाय हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे गुर्दे में रहती थी वो। क्या बताऊं तेरे, मेरे गुर्दे में रहती थी वो, और जब उसको देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज। जब उसे देखूं मेरे दिल से आई आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे शेर लगे जब हो पास। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह, और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, जमी भी चाल, जमी जादी कर ली थे छतीरिया नु जफे। और छिपकली के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी, और उसके मुंह से आलू गिरते थे। उसके मुंह से आलू गिरते थे, जब भी वो कुछ बोले उसके दांतों में साबुन फंसा होता था। उसके मुंह से आलू गिरते थे, जब भी वो कुछ बोले उसके दांतों में साबुन फंसा होता था, जब भी वो मुंह खोले, और 16 इंच का हाथ था उसका। शायर को फील हुआ है, शायर ने फील किया है कि 16 इंच का हाथ था उसका, उस पर 5 फुट का नाखून, और छुरी से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन, और बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। बगैर डर के जीती थी वो, ऑरेंज जूस आंख से पीती थी वो। अब नहीं है मेरे पास उसको याद करने के बहाने, अब बस मैं सुनता हूं राहत फतेह अली खान के गाने। क्या बात बहुत ही रोजाद वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक ले वापस आए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आंखें झुक कर उठी तो कजा बन गई, आंखें जिल में गदास मानो जमी। अरे यार क्या रे भाई, presented by Surf Excel, All Purpose Milk and powered by Lipton. मेरे साथ मौजूद है the legendary राहत फतेह अली खान। राहत भाई, ऐसा है कि दुनिया भर में जहाँ भी कवाली सुनी जाती है, चाहे म्यूजिक कवाली ना भी हो, म्यूजिक जहाँ भी सुना जाता है, वहाँ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम जाना जाता है। बेशक।
हम उन्हें गायकी के हवाले से ज्यादातर जानते हैं, मगर पता ये चला कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का था। बहुत, बहुत एक बार आपने उनसे मॉइस्चराइजर यानी लोशन वोशन मांगा तो उन्होंने कोई खास जवाब दिया आपको, क्या था वो? मैं नहा के निकला तो मैंने उनके वॉशरूम के बाहर से मैंने कहा कि यहाँ भाई कोई खुश्की दूर करने वाली क्रीम है? तो वो आए कहते बेटा यहाँ पे क्रीमें बहुत हैं मगर खुश्की दूर नहीं होती। अरे हाँ। अच्छा भाई, खुश्की से याद आया, हमारे पास खुश्की पे रहने वाले कुछ इंसान मौजूद हैं। अच्छा, ये आपके लिए सवाल लेकर आए राज भाई, बहुत दिल से। हाँ भाई, पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा। चंद, ये मांगने वाला है या नहीं? ये चांद, ये चांद वाला चंदा। बस भाई, तुम लोग जख्म में नमक फिरा रहे हो। चंदा मैडम क्या करती हैं आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप आर्टिस्ट, कोई सवाल लाई आप? मैं इनको कहूंगी कि चंदा के नाम पे कोई सॉन्ग अगर हो तो। चंदे के नाम पे? चंदा, चंदे नहीं, चंदा, चांद, चांद वाला चंदा। चांद वाला चंदा। अच्छा, आपको कोई ऐसे एहतरामन भी बुलाए चंदा सुनिएगा तो आप तो नाराज हो जाती होंगी? नहीं, नहीं, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मेरे बड़ों ने नाम रखा है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ चंदा के नाम पे। यार एक्चुअली मुझे चंदा के नाम पे तो सॉन्ग ज्यादातर मैंने नहीं गाए हुए। आपने भी ध्यान से मुझे क्वेश्चन करा। नैनो पे मैंने बड़ा गाया है। वाह, चंदा के नैन अच्छे हैं, चंदा के नैन बहुत अच्छे हैं। मैं बना दूंगा ऐसे बैठे। देखिए इसको रिलेट करते हैं हम, आंखें होंगी तो चांद देखा जा सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दोनों ही दो आतिशा। आंखें या मैं कदे के ये दो बाब है, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है। आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो कजा बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो हया बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कजा बन गई, आंखें जिनमें भाई खड़े होके तालियां हो जाएंगे यार, खड़े होके। क्या बात है राजू, रोंगटे खड़े हो गए राज भाई। कहाँ? कहाँ क्या मतलब राज? हाँ भाई, अगला। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जावेद। जावेद क्या करती हो तुम? मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। ओ वाह। भाईजान पानी चाय का पूछो। अच्छा, सवाल लाए जावेद भाई। जी बिल्कुल, कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक आपको भी। तबीश भाई आप ईद मुबारक। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने दुनिया भर में बहुत सारे शो किए हैं और बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में क्या बुनियादी फ़र्क है कॉन्सर्ट्स में? यार ये फ़र्क ये है कि आप लोग अपने हैं और जब हम गैर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ भी आप जैसे जो चाहने वाले हैं वहाँ भी होते हैं, और हमें जो है वो आपके लिए हम वहाँ से गैर मुल्क में जा के इज्जत बटोर के लाते हैं, क्योंकि हमें वहां भी इज्जत मिलती है, हमें यहाँ भी इज्जत मिलती है। राज भाई अभी आप जाइएगा ना गैर मुमालिक में जाइएगा, उनको बताइएगा इज्जत तो दें, तो डॉलर भी अगर हम लोगों को दे दें। बड़ी जरूरत सी थी राज भाई, मतलब डॉलर आने कौन देगा यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? फराज जहांगीर। और सबको सबसे पहले ईद मुबारक, और मैं आपसे सर ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। खैर मुबारक पहले ले लीजिए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सिंगिंग के लिए बाय बर्थ आवाज़ का अच्छा होना ज़रूरी है या फिर
प्रैक्टिस भी करनी, प्रैक्टिस भी कुछ अहमियत रखती है इस मतलब। पर आप प्रैक्टिस तो की है, तो इस नहज पे आए हैं हम जी। और दुनिया भर में नाम जो है वो मजाक मजाक में नहीं होता, ऐसी बात बहुत सीरियस काम करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जी जी, मैं नई जनरेशन के लिए पूछना चाह रही थी। नई जनरेशन को चाहिए कि वो वक्त ने, अब बोल तो वक्त नहीं है, हां जी बीमार रहते हैं, बीमार रहते हैं, वक्त है जी आपके पास, क्यों नहीं है यार, है वक्त है, मगर करना नहीं चाहते। लेकिन जिनको शौक है उनके पास तो होगा ही वक्त, उन्हें निकालना ही पड़ता है। नहीं, आपको पता नहीं है कि और भी दुख है जमाने में सिर्फ गाने के सिवा। जी हाँ। और जो जो रोजगार, अगर सुना है कि अगर पेट भरा होता है ना तो काम भी अच्छा होता है। अच्छा बेटा, ये तुमने अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। बताया था, इतनी एक्साइटेड थी आपके शो में आने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? फड़ा। तुम क्या करती? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में? इसके अलावा कुछ करती हूँ? नहीं। तू पढ़ी रहती? मैं चार घंटे से फरा फरा कह के बुला रहा था, उनका नाम ही था वो। अच्छा, शुक्रिया सर आपका नाम याद रखने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा। बुशरा मैम क्या करती हैं आप? मैं LHW। सॉरी, LHW। LHW क्या होता है? खैर अच्छा ही लग रहा है, कुछ इंग्लिश में होगा। अच्छा, लेडी हेल्थ वर्कर। लेडी हेल्थ वर्कर। मैं लेडी रहा नहीं ना कभी। यार मुझे भी बता दो क्या हो रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर है, लेडी हेल्थ। माफ करिएगा। अच्छा मैडम, को सवाल लाई हैं आप? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं इनका गाना सुनना चाहती हूँ, ये मेरी फरमाइश। इतनी देर से तो सुना रहे थे। राज भाई, तेरी ओड़ आपका फेवरेट गाना है ना? अच्छा, ओके। मैंने कहा मैं फरमाइश इस तरह फॉरवर्ड कर दूं। हम आपका फेवरेट। आपका फेवरेट वही है। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। माँ जी कोई फरमाइश हमसे भी कर ले। शर्मा सी गई। चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is it. ऐसा लगो बंदे का कब्ज नहीं खुलता। निकल गया पूरा। हाँ भाई, क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अब्दुल वहाब। मोहम्मद अब्दुल वहाब, क्या करते हो अब्दुल वहाब? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बड़ी बात है ये, बहुत कम ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। कोई सवाल लाए हो मियाँ? जी लेके आया हूँ। राहत भाई, आप लियालपुर से हैं तो उधर के लोग जूतों पे बहुत मशहूर हैं, तो एक जूगत ताबिश भाई पे भी हो जाए। राहत भाई, ये फरमाइश जो है, यही जो है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। नहीं, ये क्यों नहीं कर सकते? अबे तुम मुझसे तो पूछ यार। सुन तो लेना यार, हमारे शहर में जुगते थोड़ी बहुत होती होंगी, आप लोग जानते ही हैं, मगर ज्यादातर जो हैं वो सिंगर अच्छे हैं यार। ये बात है, बिल्कुल सही बात है, जुगतों के लिए मत। कुछ और कर दो, कुछ और कर। इसको फैसलाबाद में वही मिला ना, सिर्फ ये जाता है वहां जुगते पड़ती है, इसको लगता है वही काम होता है। अब्दुल वहाब तुम गुद मार दे यार, आप ना आप हंसिए बस। और फिर आज वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं जाएगा। आपकी आवाज से कभी कोई मुतासिर होकर रिश्ता आया आपके लिए लड़की का? मेरी आवाज से मुतासिर होकर मेरी शादी हुई है मैम। आपकी शादी के बाद? नहीं, आपकी शादी के बाद। बाद क्यों रिश्ता आएगा, क्यों आएगा रिश्ता? क्या बात कर रही हो, मार पिटवाएगी क्या? वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अनिका नाम है। अनिका क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस चीज़? मैं MBA कर रही हूँ। आप MBA? जी जी। वेरी नाइस। कोई सवाल लाएंगे? जी जी, मेरा राहत साहब के लिए सवाल है। सबसे पहले ईद मुबारक सर, और राहत अल फतेह यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई प्लान है कि अपने नाम का आप एक इंस्टीट्यूट बनाएं, ताकि बहुत से बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो आपके नाम के इंस्टीट्यूट से सीख सकें? ये बहुत अच्छी बात आपने की है। बहुत मेरे नाम पे अनाउंस्ड जो है वो लोगों को धोखा भी दिया जा रहा है। अच्छा। और जी, मैं हम राहत फतेह अली खान साहब को जानते हैं, हम वो सिखाते हैं, आप हमारे पास आइए, हम ये करिए वो करिए, तो ये बहुत सारे जो हैं वो गलत किस्म के जो चीज़ें हो रही हैं। मैं अनाउंस करना ये चाहता हूँ, एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ। अरे वाह। और जहाँ पे जो यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन है हमारी, वहाँ पे ऑनलाइन सीखेंगी, जो फीमेल्स हैं वो ऑनलाइन सीख सकती हैं। वेरी नाइस। और जो मेल हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके वो सीख सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत जरूरी है ना भाई? बहुत जरूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर पालूस खोखर, आई एम क्रिश्चियन। अरे वाह। आप कोई सवाल लेकर आए? मैं सर के लिए ये कहना चाह रहा था कि आई एम क्रिश्चियन, मेरे बच्चे जो हैं दोनों वो परस्तार हैं, और इस वक्त मेरा बेटा मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा है, और वो अपने यानी के स्कूल में नाथ खां भी है। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मेरी बेटी भी इस प्रोग्राम में आई है, बेटा भी आया, और वो परस्तार चर्चेज में बहुत सारी परस्तिश करते हैं, लेकिन दोनों ही अपने स्कूल में नाथ खां भी है, उनको सेलेक्ट किया गया। तो मैं सिर्फ सर की स्माइल से मुतासर हूँ। सो वेरी नाइस पर्सनैलिटी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा स्माइल कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये याद आ रहा है यार, मैं अल्लाह की कसम मैं सही हंसता हूँ यार। सर मैं तेरे लिए, मैं आपके लिए, आपके लिए सर मेरे लिए ये भी बहुत खूब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा क्या करती हो तुम? स्टडी। अच्छा, कोई सवाल लाई? जी, राहत साहब के लिए। राहत साहब से करो। जी बोलिए। आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी आवाज़ से कभी कोई मुतासिर होकर रिश्ता आया आपके लिए लड़की का? मेरी आवाज़ से मुतासर हो गए, मेरी शादी हुई है मैम। आपकी शादी के बाद? नहीं, आपकी शादी के बाद। बाद क्यों रिश्ता आएगा, क्यों आएगा रिश्ता? क्या बात कर रही हो, मार पिटवाएगी क्या? हल्के से बता बेटा, ये सवाल इस तरह हल्के से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा। तलहा भाई क्या करते हैं? स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करता हूँ। मुझे लग रहा आपकी पैंट देख के लग गया था आप दो काम करते हो। नहीं, रात पे आप ऐसा नहीं, बहुत मुश्किल जॉब करते होंगे आप। जी जी सर। कोई सवाल? सर राहत से क्वेश्चन है मेरा। सर आपने माशाल्लाह हर जो जितने बड़े बड़े कंपोजर्स हैं आपके साथ काम करना चाहते हैं और करते भी रहे हैं, कोई ऐसा कंपोजर आपका मतलब आपके माइंड में हो जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो उनके साथ काम करने की, बार बार काम करने? एक्चुअली मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करा है और बहुत अच्छा काम किया, और जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जेम्स ऑनर है जिन्होंने टाइटैनिक का म्यूजिक करा था, फोर फैदर्स का उन्होंने म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर किया, मैंने उनके साथ काम किया, बिग गाय। यस। और उसके बाद मैंने जो बॉलीवुड में एक से एक जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जैसे विशाल एंड शेखर हैं, विशाल भारद्वाज हैं, शंकर महादेवन हैं, साजिद अली वाजिद अली हैं, खास तौर पे लक्ष्मिया जी हैं, ए रहमान साहब के साथ मैंने काम नहीं किया। नहीं किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया उनके साथ काम, और इन लोगों के साथ मैंने काम किया और बहुत मुझे मज़ा आया। अब और क्या मतलब इसके बाद और क्या रह जाता है? अब इसके बाद यही है कि अब दूसरों को चाहिए कि हमारे साथ काम करें। हमने तो कर लिया काम, कर लिया सारे काम, आपने निपटा दिया आपने सारे। चलो अगला सवाल।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, क्या करते हो वकास? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हूँ, कोई सवाल लाए? जी सर। सर मेरा सवाल राहत फतेह अली खान साहब से है। पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। सर मेरा जो ज़ौक है ना वो शायरी के हवाले से है। काफ़ी मैं शायरी का ज़ौक रखता हूँ, तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर हम कंपेरिज़न करें कि आज जदीद दौर के जो गीत हैं और पुराने दौर के जो गीत हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर, तो पुराने जो गीत हैं उनमें हमें वज़न नज़र आता है, बहर नज़र आता है, और आज के जो जदीद दौर के गीत हैं इसमें रैप का नाम इजाफी हो चुका है और अजीब तरह के सॉन्ग है, आप इसको किस तरह देखते हैं? भाई, मैं रैप को तो बहुत बुरी तरह देखता हूँ। कैसे, कैसे, कैसी नजरें होती मतलब हैं? ये क्या है, ये क्या शुरू हो गया? आई डोंट लाइक रैप, रैप काइंड ऑफ म्यूजिक मुझे नहीं वो पसंद है। और जो जहाँ तक आज के म्यूजिक की ओवरऑल म्यूजिक की बात है, तो कुछ अच्छा काम भी हो रहा है भाई। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्यादा नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है, बट हो रहा है, ठीक है। और पुराना जो दौर था उसमें ये था कि उसमें होता ही अच्छा था, वही होता था जो अच्छा होता है। राज भाई, ये बताइए कि आप कभी ऐसे, क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए, उनके लिरिसिस्ट भी अच्छी लिखते होंगे उर्दू? बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। कभी आप ऐसा होता है कि आपका सुखन, आपका माशाल्लाह सुखनवर आदमी, कभी करेक्ट करते हो कि नहीं नहीं ये वजन नहीं है, इसको सही करें? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो जो एक आध लाइन जो वहाँ के भी जो नए लिखने वाले हैं, वो सिचुएशनल सॉन्ग पे जब बात आती है, तो फिर हम अपने जो हमारा एक जो ग्रेस है उसको डैमेज ना कहीं कर दे वो वर्ड, ठीक है। जो फिर वो मैं ट्राई किया करता था कि अगर वो उसको चेंज कर दें, अगर वो चेंज नहीं करता तो मैं गाना छोड़ देता था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करती हो तुम? मैं स्टडी करता हूँ। बताओ कोई सवाल है तो। मेरा राहत साहब से सवाल है, एक तो सवाल है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। सवाल ये है कि आपकी कोई बचपन की ऐसी आदत जो आप आज तक ना भूल पाए हो। आज तक ना भूल पाया जी। आदत कोई ऐसी राहत भाई जो बचपन से कैरी कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी आदत रही है कि मैं अपने आप को कैरी करता हूँ। तो आज तक कैरी किया हुआ है। तो ये तो मेरी आदत है। वाह, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। चुप करें आप। मैं बात ही गहराई में जा रहा था मैं। आपका एक मशहूर सॉन्ग है मेरे पास तुम हो, उसके अगर दो अशार जो हैं गुनगुना दें तो। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। क्या हुआ, ये थी आज की हमारी ऑडियंस, ब्रिलियंट ऑडियंस थी, अपने लिए तालियां बजाइए खवातीन हजरात। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा। सर आप काम क्या करते हैं? सर आप तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरी मोटर बाइक की शॉप है। कहता अच्छा कहाँ है? कहता तेरे सर में। दूसरे में तुम तीसरे में गुम है। वाह। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू आस्था मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, ऑल पर्स मिल्क एंड पावर्ड बाय लिप्टन। मेरे साथ मौजूद है राहत फतेह अली खान। राहत भाई, 2014 पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल था, इस उससे के नोबेल पीस प्राइज़ में दो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, एक मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, दूसरा पहला पाकिस्तानी जो नोबेल पीस प्राइज़ में परफॉर्म करने गया, हेडलाइन करने गया, वो आप थे। कैसे लगा, कितना बड़ा क्राउड था, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया जब आपने परफॉर्म किया? बहुत अच्छा उनका रिएक्शन था, और
और 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस करनी थी, 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी और 3 दिन सिर्फ 9.5 मिनट की परफॉर्मेंस, कैसे कहाँ पे कट होगा, कहाँ से स्टेज जो है वो व्हील्स पे थे वो हाँ। उनको लेके आना है उन्होंने, हमने ड्रेस रिहर्सल, स्टेज ने मूव कब करना है, यहाँ पे एक आएगा चीज़, हाँ, एक एक चीज़ उन्होंने वो हमारी जो है वो रिहर्सल करवाई। और उसके बाद जब हमने परफॉर्म किया तो परफॉर्म करने से तकरीबन 45 मिनट पहले मैं बाहर आया लास्ट रिहर्सल करके, तो तकरीबन 11,500 की ऑडियंस उसमें कैपेसिटी थी हॉल की, एक ह्यूज डायनासोर एक ऑडिटोरियम, तो वहाँ पे सिर्फ कुछ चंद 120 लोग होंगे एक लाइन में लगे हुए 45 मिनट पहले, जस्ट 45 मिनट पहले, जस्ट वन डोर। तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो मैंने सलमान भाई को बोला, मैंने कहा सलमान भाई 11,500 कैसे आएंगे अब 120 लोग बैठे भी, तो ये तो 120 ज़्यादा से ज़्यादा 300 बंदा खड़ा होगा। तो जब हम गए हैं ऑडिटोरियम में तो वो पैक्ड था, बिल्कुल पैक्ड था और बगैर किसी लड़ाई के, हाँ। के मेरी सीट पे ये बैठ गया, हाँ। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नेशन है, हमारे तो जहाज़ों में झगड़े शुरू हो जाते हैं मेरी सीट पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, सिनेमा हॉल से शुरू होकर जहाज़ों तक, जहाज़ों में जहाज़ों में झगड़ा होता है ना, PIA में आप कभी भी बैठे, हमारी अपनी एयरलाइन है, मैं तो बात करता हूँ उसके बारे में, अगर आपकी विंडो सीट है ना वहाँ पहले से कोई बैठा होगा, अब आपको देखेगा तो आप बोलेंगे भाईजान मेरी सीट है, बोलेगा मर क्यों रहा है तू बैठ गया, खिड़की वाले पहले मरते, इस तरह कह के ना दिल से उतार देगा, दोनों सीटें एक ही जगह जा रही हैं, एक ही जगह इस तरह के बहाने बनाते हैं। 11,000 का क्राउड राहत भाई, इससे मुझे याद आया सवाल कि कितने बड़े क्राउड में मैक्सिमम परफॉर्म किया है आपने? 130,000 की कैपेसिटी का पॉडियम मैं कहूँगा, वो पॉडियम था ग्लोबल विलेज में, दुबई में ग्लोबल विलेज, 130,000 लोग, 1.25 लाख से ऊपर ऑडियंस थी वहाँ पर। राज भाई अपने अंदाजे के लिए कम से कम कितने लोगों में परफॉर्म किया? 8 लोगों में ये कौन लोग थे 8? मतलब आपको पता शौकीन हज़रात होते भी हैं, शौकीन हमें भी 8 लोग सुन सकते हैं। अच्छा राज भाई, ऐसा होता है कवाली में जाहिर बात एक पैशन रिक्वायर्ड होता है, एक बहुत ही मिस्टिकल सी एक आर्ट है ये, कवाली सुनने वालों में भी एक वज तारी हो जाता है, और वो वज में अजीब अजीब हरकतें भी करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो वज के बगैर पैसे फेंकते हैं, कुछ लोग अपने आप को फेंकने को तैयार हो जाते हैं, कभी इतने हज़ारों कॉन्सर्ट किए, कभी कोई ऐसा वाक़ा हुआ वो पागल ही हो गया वो बंदा? एक जगह हम परफॉर्म कर रहे थे लाहौर की बात, तो वो बहुत अच्छा बड़ी अच्छी फरमाइशें की उसने, बड़ी टिपिकल सांसों की माला सुना दीजिए, वाह सांसों की माला सुना दी, ये जो हल्का हल्का सुरूर सुना दीजिए वो सुना दे, तुम्हें दिल लगी, यानी सारी इंटेलेक्चुअल फरमाइशें हाँ, जो है वो कर रहे हैं टॉप की। मैं हम ये सोच रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि मुझे वो फरमाइशें कर रहा था कि यार ये बंदा समझदार, हाँ, इसको पता है, इसको पता है, तो मुझे वो सी ऑफ करने आया, गाड़ी में बिठाया, कहता सर मैं आपसे बात पूछने चाह रहा था, आपने तो खैर पूछी ही कुछ नहीं, मुझसे पूछा उसने कि सर आप काम क्या करते हैं? सर आपका, मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरी मोटर बाइक की शॉप है, कहता अच्छा कहाँ है, मैं कहा तेरे सर में, दूसरे में तुम तीसरे में गुम है, वाह। अच्छा रात भाई, ऐसे फैन आपके क्रेजी फैन है, ये तो आपने स्टोरी सुना, पूछ रहे काम क्या करते, लेकिन एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में आपसे एम्बुलेंस से मिलने आया था, हाँ नहीं वो एक अटेंड करने, वो पेशेंट था, कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज, अल्लाह हू अकबर, तो उसकी जब वो कहीं कभी सेहतमंद होगा वो बच्चा, हार्डली 26 ईयर ओल्ड, तो 4 साल पहले जब वो 22 का था तो उसका एक फेवरेट सॉन्ग था, अभी वो पता नहीं, आई डोंट नो कि वो अभी इस दुनिया में जिंदा है कि या नहीं है, मगर उसका फेवरेट सॉन्ग था मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ, अच्छा तो जब हमारा ये वाला शो वहाँ पे सिडनी में ये हुआ तो उसकी बहन माँ ये लोग और बाहर एम्बुलेंस 4-5 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैंने ये राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट आखिरी बार देखना है, वाह इसलिए वो आया था, क्या बात। तो उस वक्त मुझे पता लगा एक्चुअली के उन लफ्ज़ों के मानी क्या हैं, सही बात है कि मैं जहाँ रहूँ
मैं कहीं भी रहूं आप दो लाइनें दो मेरी याद साथ है दो लाइनें दो बातें मेरा फेवरेट गाना मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है किसी से कहूं के नहीं कहूं ये जो दिल की बात है क्या बात है राधे अच्छा राध भाई करेबियन आइलैंड्स अमेरिका के साथ ही लगते हैं और बिल्कुल लगे हुए से वहां भी आप गए कॉन्सर्ट करने माशाल्लाह वाह अच्छी बात ये पाकिस्तानी जब जाते सबसे खूबसूरत हम ही लग रहे होते सही कहा कुछ ही जगहें मुल्क दुनिया वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं हंसलो थोड़ा हाँ हाँ करेबियन बोलिए सॉरी वेस्ट इंडीज भाई जमैका एंड मलक्का ये सारी जो रियासतें हैं अच्छा वहाँ की बहुत ही मजे की आपको मैं बात बताता हूँ प्लीज वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तानी नहीं है उर्दू स्पीकिंग ज्यादा लोग नहीं है बहुत फिजी के लोग ज्यादा है वहाँ पे और गुजराती गुजराती बहुत है इंडियन गुजराती इंडिया के गुजराती हैं वो लोग वहाँ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं यहाँ के गुजरात से ये इनको पता नहीं समझते हमारे जैसे नहीं नहीं बहुत कम इंडिया इंडिया वाला जो गुजरात है वहाँ के लोग तो वहाँ का बंदा जो है वो अनाउंस कर रहा था कहता है आदरीन आप लोग को पता है कौन गाने आ रहा राहत फतेह अली खान गाने आ रहा है बहुत अच्छा गाता है तो अभी वो आएगा वो गाएगा बहुत अच्छा गाएगा तो आप लोग रेडी है आप बोलिए रेडी है अब वो आएगा अब वो गाना गाएगा अब मैं वो अभी आपके सामने राहत फतेह अली खान आएगा मैं कहूँ यार ये क्या हो क्या रहा है कहते सर आपको बुला गया वो जाइए आप जाइए अब मैंने वो हाफ टाइम हो गया तो अब पूछ रहा है ऑडियंस से अब बताओ आप लोग राहत फतेह अली खान कैसा गाया आप लोग ये बहुत अच्छा गाया ये कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है ये कुछ भी नहीं है अभी ये गाएगा राज भाई इसी मौके पे ईद का मौका हल्का सा मुंह मीठा कर लें भंग तो नहीं है नहीं 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 वो वाली दूसरी है पिछले साल से आपकी इंतजार में अच्छा राज भाई कई मौके ऐसे आए होंगे कि आपने कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स किए होंगे जो पहले उस्ताद नुसरत अली खान कर चुके क्या ऐसे कोई कॉन्सर्ट आपको याद है जो आपने उसी जगहों पर उसी थिएटर में हाँ जी मैंने कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया और मैंने नहीं किया हाँ और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ उन्होंने जहाँ उन्होंने नहीं किया मैंने वो कौन सी जगह मैंने मैंने परफॉर्म किया आई परफॉर्म इन हॉलीवुड बॉल वाह बहुत बड़ा जो कि सैन फ्रांसिस्को में है यहाँ शायद एल ए में होगा तो और एक और बहुत ही प्रेस्टीजियस हॉल है कार्नेगी थिएटर जी हाँ आई परफॉर्म देयर सबसे ज्यादा मजा आज तक कहाँ परफॉर्म करने का है नोबेल पीस प्राइज सबसे ज्यादा सब वो गाना ही बहुत गाया अच्छा हम सुनने वाले कराची पाकिस्तान में शौक वाले होते हैं कवालियां सुनने का एक एहतराम है पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है परफॉर्म करने का लंदन में ज्यादा लंदन में अगेन पाकिस्तानी सुनते होंगे नहीं पाकिस्तान भी है इंडियन भी है बंगाली भी हैं वहाँ पे और जो ये वो ऑडियंस है जो मेरे बचपन से हमारे साथ है हाँ। और खान साहब को सुनते 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 वो जनरेशन अब वो आपकी तरफ आ गई आगे बड़ी हो गई अच्छा इंडिया की बात करेंगे इंडिया आपने सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया में आपने काम किया है हमारे आतिफ असलम आप आतिफ भाई हैं उन्होंने काम किया मैंने किया शफकत भाई उन्होंने किया लेकिन मकबूलियत की बुलंदियों पर आप इंडिया में गए वहाँ पर जब आप जाते हैं अब जाहिर बात है आपको एज उस्ताद ही ट्रीट करते हैं आपका एहतराम तो दुनिया भर में है ये पूछना बेकार होगा यहाँ ज़्यादा एहतराम मिलता है वहाँ पर जब कवाली आप गाते हैं तो क्या उनको भी उतनी एटिकेट्स आते हैं कवाली सुनने के जितने हमें ये बताऊँ ताबिश भाई कि जो कवाली में जो लुत्फ लोगों को आता है हाँ। और ख़ासतौर पर जो हिंदुस्तानी ऑडियंस है वो चाहे वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स को बहुत लाइक करते हैं मगर हाँ जब कवाली शुरू हो जाती है तो फिर वो
उसके बाद उनको जितना मज़ा कव्वाली में आता है ना, वो शायद बयान नहीं कर पाते कि उनको कव्वाली में मज़ा कितना आ रहा है। तो आजकल के हालात ऐसे हैं, आर्टिस्ट ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप एज एन आर्टिस्ट, आपको ये तकलीफ देती चीज़? देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतरीन, तालियां भाई इस बात पे, तालियां होनी चाहिए। ये चीज़ें आप साइड पे रखें कि दिल करता है नहीं करता है। हाँ। जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत की बात है, पहले पाकिस्तान है, उसके बाद सब कुछ। क्या बात, यही चाहिए राज भाई। इसी के साथ अब करेंगे ये कि अब वक्त आ चुका है कि आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की जाए। यार ना करें, बहुत मजा आएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, ये इसमें इसमें तो है ठंडा आइस, ठंडा जेल है इसके अंदर, आंखें ठंडी कर देगा। नहीं यार क्या है भाई, कुछ भी नहीं है राज भाई, मैं खुद पहन के दिखाता हूँ, ये देखिए आप। नहीं आपने थोड़ी देर के पहनना, क्या मजा आ रहा है रात पे, क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा क्या देख रहा है आप पहनने वाला था क्या? जब आप ये पहनेंगे रात भाई, तो आपकी जो स्क्रीन लगी है ना पीछे, इस पे या तो किसी शख्सियत की, किसी जगह की, या कोई चीज की तस्वीर आएगी। ओके आप उसके बारे में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, आपने सवालों से गैस करने क्या लगा, बहुत मजे की चीज। देखो मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट वेरी गुड इन द गेम्स। आप फिक्र ही नहीं करें, ये गिफ्ट हैम्पर है, फिलिप्स ने आपके लिए भेजा है। मैं पहले ही हारता हूं ये। नहीं, उन्होंने कहा है भले कैसा भी खेलें देकर ही भेजें। ये इसमें इसमें भी कोई शुगल होगा? नहीं नहीं, अलग किस्म, इसमें सफाई की चीज है। अब आप मर्दों के, ओके देखो सफाई की है नहीं, ओके ठीक ठीक बोल आप। असली 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 गिफ्ट राज भाई, वाह राज भाई बहुत अच्छे लग रहे। अरे अच्छा, बहुत प्यारे, मुझे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा रात भाई, इस सेगमेंट के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सन। अभी निकालूं? नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गया भाई, ऑब्जेक्ट लगाइए, लगाओ बेटा। हाँ, ओए होए होए रात भाई वाह। रात भाई आइटम आ चुका है, ये इंसान है? नहीं नहीं, बिल्कुल इंसान नहीं है, जानवर है? जानवर भी नहीं, जानवर भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। एक हिंट देता हूँ, इसको पकड़ते हैं हाथ से। यार हाथ में, हाथ से पकड़ते हैं, मगर हाथ में ये पूरा नहीं आता। अच्छा पूरा पूरा पकड़े तो हाथ में आता होता? नहीं, इसको पूरा पकड़े तब भी हाथ में नहीं आता, थोड़ा सा निकला हुआ होता है आगे पीछे से, ऊपर से गोल नीचे से लंबा। बहुत अच्छी हिंट है, अगर आप इस पे ध्यान दें। ये डंडा है? डंडा नहीं, डंडा डंडा, छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है। कुछ और भी हिंट दे दो यार। मैं कह रहा हूं छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है डंडा। एक सेकंड, हाथ में पकड़ते हैं ऊपर से, डंडा हाथ में नहीं पकड़ते और काम, ये डंडा डंडा नहीं है लेकिन डंडा, इसको हाथ में पकड़ते हैं ऊपर से गोल नीचे से लंबा और छोटी सी चीज को बड़ा कर देता है। मोटा है? कभी 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 मोटा होता है, आजकल बहुत छोटे भी आ रहे हैं। और लोग इसको हजारों लोगों के सामने पकड़ने से भी नहीं घबराते। रात भाई आपके बहुत करीब है, आपने तो इसको कई बार मुंह लगाया है। रात भाई, हाँ चम्मच। अरे रात भाई चम्मच की, आप देख रहे हैं हिंट्स पे काबू, हिंट्स पे वापस आते हैं। अरे चम्मच है? चम्मच नहीं, आपके बहुत करीब है, आपका चोली दामन का साथ है इससे। ओ माइक। यस, पहने रहिएगा रात भाई, पहने रहिएगा। अब देखे ना, ऊपर से गोल नीचे से लंबा, हाथ में पकड़ते। अच्छा आगे चले। लगाओ भाई दूसरा आइटम लगाओ भाई। ओए ये क्या है, वाह 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 वाह, लग गया भाई लग गया, आइटम लग चुका है रात भाई। इंसान? नहीं। जानवर? बिल्कुल भी नहीं। चीज है? मीठी? बिल्कुल ही कड़वी। कड़वी? ओहो कड़वी, बहुत कड़वी। सब्जी है? हाँ। करेला? अरे आखिरी आइटम रह गया, बस आखिरी आइटम रह गया। वाह भाई वाह, सब्जी में बहुत अच्छा पहुंचे आप। चलो भाई आखिरी आइटम लगाओ, लास्ट। रात भाई वाह, कई लोगों का ये जो हंस रहे हैं कुछ और ही है। रात भाई आ चुका आइटम, और ये अब आप सवाल पूछेंगे। ये भी चीज है, चले इंसान नहीं है।
इंसानों वाला कोई शायर नहीं है। ये है इंसानों के काम की चीज है मगर इंसान नहीं है। हारमोनियम? हारमोनियम नहीं है। राहत भाई ये मैं आपको बताता हूँ, आप कोई हिंट दे दे। मैं हिंट देता हूँ, ये नरम है। okay. बहुत बड़ी हिंट है। खाने वाली चीज है? नहीं खाने वाली नहीं। नहीं खाने वाली? नहीं, नहीं, नहीं। कुछ लोगों को नरम पसंद है, कुछ लोग कहते हैं मेरा सख्त। स्लाइस अच्छा आपने गैस किया लेकिन है नहीं। स्लाइस अच्छा आपने हिंट से स्लाइस अच्छा निकाला। अभी आपके आस पास है? मेरे आस और पास है। आस और पास है आपके? आस और पास है। मैं भी हूँ आपके आस में बैठ रहा हूँ। मैं हूँ ये, ठीक है, आपके आस पास है। हाँ। फिर आप ही होंगे? नहीं नहीं मैं नहीं, मैं नरम का हूँ। अच्छा अच्छा क्या मतलब नरम सा है? अच्छा कुछ लोग इसको बिल्कुल ही सीने से लगा कर ही रखते हैं। आप पिलो? ओह यस। बस एक आखिरी रह गया। फरमाइश आई एक आखिरी की क्योंकि बहुत स्पेशल आइटम है। अरे लगा गया ना यार। ओए सर अपना राहत भाई आइटम नहीं है इस बार, आपकी पसंदीदा आप शख्सियत है। शख्सियत एज क्या है इसकी? एज अब तकरीबन 60 की होने लगी है। बकवास है, गलत है। कसम से 60 की होने लगी है। 60 की? 60 की। इसकी 60 की एज हो रही है? इसकी मेरी नहीं, इसकी। इसकी 60 की होने लगी है। होने लगी है? हाँ हाँ। ये गाते हैं? नहीं ये गाते बहुत गा लेते हैं मगर बहुत बुरा गाते हैं भाई। गा लेते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं। इंडस्ट्री से हैं? इंडस्ट्री से हैं। एक्टर? एक्टर है। मेल? बहुत मेल। मेल है ना? हाँ हाँ मेल है। इनका मेल जोल भी बहुत है आपसे। इनसे बहरोज भाई नहीं, बहरोज भाई भाई हैं, बहरोज नहीं है। एक है इनका के करते रहते हैं, नाक में इनकी ख्वारिश रहती है, करते रहते हैं। माय गॉड। लोग इनसे डरते भी हैं, इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। कमीजें नहीं पहनते, बात बात पे कमीज उतार देते हैं। कमीज उतारते हैं बात बात पे। सलमान खान? यस बहुत आला, उतार दिया। क्या बात है राज भाई, आपने तो माशाल्लाह से सारी सारे कह दिए। मैंने बहुत सारे गेस किए आपने। माइक पे अटके आप थोड़ा सा। हाँ तो वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। राज भाई ये आपके साथ जाएगा छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खवातीन और हजरात हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सब बनाए वापस आ रहे हैं। तालियां। तेरी साया नी मेरी जिंदगी नू है तबाह करता। वाह वाह। जदों तैनू मेरी यादों नी तू सोचेंगी ए मैं की करता। वाह वेलकम बैक टू असरा मनाए। राज भाई रमजान गुजर गए, ईद आ चुकी है, अब इस साल क्या प्लान्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम यूएसए के टूर पे जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह। कुछ दिनों में हम चले जाएंगे, हमारे 12 कॉन्सर्ट वहाँ पे अनाउंस हैं। 12 कॉन्सर्ट आ रहे हैं। राज भाई हुकूमत से तो हुकूमत तो ला नहीं पा रही, आप ही पे आसरा है सारे डॉलर्स का। अच्छा ऐसा है कि राज भाई आपके सामने कुछ लोग गुस्ताखी करना चाहते हैं, गाना गाने। नहीं ये गुस्ताखी थोड़ी होगी यार। अरे आपके सामने गाना जैसा ये गाएंगे आपको खुद लगेगा ये गुस्ताखी कर रहे। अच्छा मेरे पास 5-6 लोग हैं जो आज मुकाबला करना चाहते हैं, अवामी मुकाबला। कौन कौन है भाई? आप जज भी कर चुके हैं, आप तो सोनू निगम के साथ। जी जी छोटे उस्ताद में हमने करा था। राहत भाई आपने जज करना है कि इनमें से किसने सबसे अच्छा गाना गाया। बहुत आसान सा काम है। अलीजा 15 सेकंड से ऊपर नहीं गाना। जी ठीक हो गया। आता मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे लिए हाँ मैं अजला तो जागीर तेरी मैं
शीशे विच सजना। वाह, आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद उमर। उमर माइक उठा लोगे बेटा देर तक? आता हूँ 15 सेकंड बेटा। जी जी 15 सेकंड। उसमें तुम वैसे ही खत्म हो जाओ। माँ के पैर है जन्नत के दरवाजे, उनके पांव को छूना अर्श को छूना है। सुन सखिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की कहानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सखिए बात नहीं है पुरानी, लाल मेरे की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है तुमने? सैयदा कशफ फातिमा। गाना सुनाओ कशफ। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा गा रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मियां, आ जाओ बेटा। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। जदों तेनू मेरी याद आनी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। जदों तेनू मेरी याद आनी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। मेरे दिल नू तरसाया नी, मेरी जिंदगी नू है तबाह करता। वाह वाह। जदों तैनू मेरी याद आनी, तू सोचेंगी ए मैं की करता। आ जाओ बेटा। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। बेटा हम लोगों के हाथ में क्या है राहत भाई, सिर्फ दुआ ही तो कर सकते हैं। आओ भाई आओ आखिरी। अरे भाई चंदा आइए। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए। अल्लाह गाए ना। मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दोन। बहुत आला, बहुत काफी है ये, बहुत है राहत भाई। राहत भाई अगर लड़कियों में से पूछूं सबसे अच्छा किसने गाया चंदा के अलावा? मुझे नाम नहीं याद। हाँ बेटा ये जो लड़का कश्यप ने बहुत अच्छा गाया। कश्यप वाह कश्यप जरा बेटा। और लड़कों में से ये जो शर्ट पहना हुआ जो बीच में, आ जाओ बेटा। नदीम बहुत आला भाई। और अगर इन दोनों में सेलेक्ट करना हो राहत भाई, तो कौन सबसे अच्छा गाना गा कर गया? नहीं देखिए उन्होंने, वो मेल है ये फीमेल है,
इनकी तो मतलब अलग अलग ही जज होंगे, कैटेगरी तो अलग है। दोनों ही विनर्स हैं। कश्यप वेल डन, नदीम बेटा वेल डन, थैंक यू सो मच। रहिए ग्राउंड में, बैठिए, तालियां बजाइए इनके लिए। एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था बनाए कहीं नहीं। ओए टीपू, पहले तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं हूं। फिर उसके बाद फिर उसने कहा ओए टीपू। मैं कह यार आप लोग माइंड ना करिएगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसको मैं कभी मिलता नहीं हूँ, इसलिए आज ये ऑडियंस में आके मुझे छेड़ रहा है। वेलकम बैक टू आस्था मनाया। मेरे साथ मौजूद है राहत फतेह अली खान। राहत भाई, उस्ताद नुसरत अली खान का जो निक नेम था, घर का नाम, वो पेजी था। पेजी कहते, पेजी कहते थे आपको, टीपू कहते तो टीपू का मतलब टीपू सुल्तान से पढ़ा या कोई और मकसद था इसका? पढ़ा कैसे? मुझे नहीं पता है क्यों रख दिया इनने नाम। घर वालों ने तो यही सोचा होगा बड़ा बहादुर होगा। मगर वो घर वाले जानते कितना है। बट हमने जंगे तो वैसे ही फतह करेंगे। हाँ ये तो है, आप तलवार से नहीं तो सुरों से मार देते हैं। ये बात तो है टीपू भाई। और टीपू भाई कह रहे हो राहत भाई। अच्छा पब्लिक प्लेसेस में ऐसा तो कभी, कॉन्सर्ट में तो कभी ऐसा नहीं हुआ? एक कनाडा में एक हॉल है, वहाँ पे मतलब एक प्रेस्टीजियस हॉल है। हाँ। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से ऊपर को ऑडियंस बैठी होती है और इस तरह से उन्होंने सीटिंग ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, और एक आवाज आई ओए टीपू। पहले तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहीं हूं। फिर उसके बाद फिर उसने कहा ओए टीपू। मैं कह यार आप लोग माइंड ना करिएगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसको मैं कभी मिलता नहीं हूँ, इसलिए आज ये ऑडियंस में आके मुझे छेड़ रहा है। तो इस तरह से भी अच्छा, अच्छा घर में आपको सब टीपू ही कहते हैं? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मना ही है। मना है ये? ये नहीं भाई, जो अभी ये टीपू सब भूल जाओ आप लोग। राज भाई, एक आर्ट से तो आपका ताल्लुक है गुलुकारी के, कोई और आर्ट कोई भी नहीं दिया, तो फिर आज आपको, हमने शायर तो बनाया था, उधम नजम खेली थी, आज एक पेंटिंग स्किल्स भी आपकी चेक करेंगे। मेरी भी बहुत बुरी है, तो मुकाबला है ही नहीं बेसिकली, बुरा बनाने का कॉम्पिटिशन आती नहीं है बिल्कुल, सिरे से ही नहीं आती। मैं लकीर नहीं खींच पाता राज भाई, किसकी मैं लकीर नहीं बना पाता, आप मुझसे मुकाबला करना है आपको। और आप जब वो ड्राइंग्स देखेंगे ना जो लोगों ने बनाई हैं, आप बोलेंगे इससे अच्छी बना लेता हूँ। निकाल के लाओ बेटा, मैं आपको शाकार दिखाता हूँ, ये डायनासोर है यार। तो अच्छा बनाई है ये सभी बहुत, ये पता है वो कौन है? ये फहद मुस्तफा है जी। तो इसमें क्या मुकाबला होगा राज भाई? ये रही आपकी स्केचिंग बुक। राज भाई यहाँ एक स्केच आएगा 5 सेकंड के लिए, जैसे ही आएगा ये 5 4 3 2 1 करेंगे, स्केच गायब हो जाएगा और हमें 30 सेकंड्स मिलेंगे वो बनाने के लिए, और हम जितना बुरा बनाएंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। चलो भाई, मुझे पता है मेरी बहुत बुरी है, आप अपनी पहले दिखाएंगे। मेरी तो उससे भी बुरी है भाई, मैं दिखा रहा हूँ, मेरे फ्रूटों पे कोई एतराज नहीं करेगा, मेरे केले थोड़े आजाद ख्याल है। अरे वाह क्या बात है राहत भाई, आपका क्या है? ये तो टोकरी चेंज कर दी आपने। यही है, ये टोकरी है। वाह वाह, ये पेंटिंग यही होती है, आपने खुद ही देखना है कि क्या है। दूसरी तस्वीर राहत भाई, दूसरी तस्वीर जल्दी 5 सेकंड की। वाह आप पता है मेरे को यार राहत भाई, आप बनाने से पहले हंस रहे होते। मैं दिखाऊंगा पहले, मैं ये जुर्म करूंगा
मेरे पे थोड़ा सा वो रह गया था। बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत आपने बड़ा पकड़ लिया राज भाई। ये मुकाबला बहरहाल आप जीत गए इस ड्राइंग के साथ भी, बस आखिरी रह गई ताकि पक्का हो जाए आप इतनी बुरे हैं कि नहीं। बिल्कुल हाँ लगाओ भाई लगाओ। ओए होए होए तो राज भाई हैं। नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ भाई। राज भाई आप बनाओ, ये कोई नहीं कर सकता। हम कौन से यहाँ पे आर्टिस्ट बैठे हैं, हटा दो भाई। आप बना ले राज भाई, आप दिखाइए। अच्छा आप नाराज नहीं होंगे, ठीक है? ये मैंने बस जो हो सका मैंने कर दिया। सही है, अब आप तुसी। अरे वाह वाह, ये सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है, ऐसा ही है। तालियां होनी चाहिए राज भाई। अच्छा राज भाई आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सांसों की माला पे ये गाना था आपका मशहूर। नहीं गाना नहीं है ये कलाम, कलाम है, कलाम। इस कलाम में पी का जो जिक्र है, पिया का जो जिक्र है, यूजली वो महबूब माशूक इस तरह के होते हैं, मगर आप से पता चला कि आप नुसरत फतेह अली खान का सोच करिएगा, वो हैं आपके पिया, ऐसा ही है? बिल्कुल क्यों नहीं, ये कंपोजिशन ही ऐसी है कि जिसको एक तो पहले तो फजूल सिंगर गा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ये बड़ी दिल के करीब कंपोजिशन है, कवाली की। बिल्कुल वन ऑफ द माय बेस्ट कंपोजिशन ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब। तो राज भाई आज ईद का शो है, मैं आज शो क्लोज नहीं करूंगा, आज कोई कमाल की बात नहीं की जाएगी क्योंकि आज हमारे पास एक कमाल का इंसान है। राज भाई मैं चाहता हूं कि सांसों की माला से आज का शो खत्म किया जाए, है भाई हो जाए। पिया इन नैनन में जो मैं पलक ढाप तो है लूं ना मैं देखूं गैर को ना मैं तो देखने दूं सांसों की माला पे सिमरूं मैं इका नाम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम।